Today, we will start exercise 10.6 of chapter sequence and series. From ML Agarwal. For class 11-4 IS. This exercise is based on GP. किस पे बेस्ड है ये? GP पे बेस्ड है, ज्योमेट्रिक सॉरी GM. GM मतलब ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन. अर्थमेटिक मीन क्या था पता है किसी को? यस सर सर किसके इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन? ए प्लस बी बाय टू ए प्लस बी बाय टू. ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन, ए सेकेंड टर्म ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगी, थर्ड बी आर इन जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगी ये तीन टर्म. तो वही जीएम ए टू अपॉन ए वन इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन दिस वन. जीएम ऊपर ले जाओ, ए बी हो गया, जीएम स्क्वायर हो जाएगा ना, यस सर जीएम इंटू जीएम. तो जीएम स्क्वायर सॉरी जीएम इज रूट ए बी. सर 1/2 कन्वेंशनली जी इज टेकन पॉजिटिव, जी को हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन को हमेशा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव इनको नहीं लेना. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर इज रूट ए बी. अगर तो कोई दो नंबर 5 एंड 7 है तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? रूट 5 इंटू 7 होगा. समझ गए? रूट 35 आंसर होगा. आया समझ? सर, इसमें प्लस माइनस में बच्चे कन्वेंशनली जी इज टेकन पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव लेना ही नहीं है. सर, इसको सीधा 1/2 लिख दें पर पावर हाँ वो तो एक ही बात है बेटा. इन सिमिलरली वे वी कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ नंबर्स एज वी लाइक बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंसेस आर जीपी. जी वन जी टू जी एन बी द एन नंबर्स बिटवीन. यहाँ देखो जी वन जी टू जी थ्री जी एन बी एन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, सच दैट ए दिस आर इन जीपी. Then the numbers G1, G2 are called geometrical mean between A and B. To find G, अगर हमने G1, G2, G3 इन सब की values find करनी है in terms of A and B, R भी the common ratio, GP क्या हो जाएगी? First term A, G1, G2 and so on. Then B is n plus 2 term. B क्या हो जाएगी? n plus 2 term होगी. क्यों होगी n plus 2 term? क्योंकि बीच में एन ये आ गए, एन ज्योमेट्रिकल मीन्स आ गई ना, ज्योमेट्रिकल मीन्स एक टर्म ये आ गई एक टर्म ये आ गई, मतलब ये कौन सी टर्म होगी? दैट इज द एन प्लस टू टर्म. एक एग्जांपल मान लो कोई भी दो नंबर हैं, मैंने ले लिए 1 एंड 100 ले लिए. ठीक है, इसके बीच में टोटल मैं 3 नंबर्स ले लेता हूं, 1 2 3 नहीं, हाँ 3 नंबर ले लेता हूं. तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? सर 100 शाबाश सर दीक्षिता. वन मुझे सर तो हाँ एन जी प्लस टू कुशान, कितनी सर 5 टर्म्स टर्म्स हैं यहाँ पे? 5 टर्म्स हैं. एन प्लस टू पहली टर्म ये, इनके बीच में दोनों के बीच में कितनी ज्योमेट्रिकल मीन? 1 2 3 लिए मैंने, तीन लिए तो ओके 5 टर्म्स होगी. मतलब अगर हमने ए एंड बी के बीच में एन ज्योमेट्रिकल मीन्स फाइंड करनी है, एन तो ये हो गए, एक ये हो गया, ये हो गया, मतलब बी कौन सी टर्म हुई? सर एन प्लस टू टर्म होगी. समझ गए? yes. तो
nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए एन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में? ए आर ये एन आर रेज टू एन पावर, ए की वैल्यू ए है, ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी? सर एन माइनस वन प्लस टू एन प्लस वन हो जाएगी, यस सर यही होगा। यस सर आर की वैल्यू क्या आएगी, आर बताइए यहाँ पे। सर बी अपॉन ए रेस टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन कैसे आई? सर आर को सब्जेक्ट बना के नहीं, आर को तो इसमें तो बाद में फ्री, यहाँ पे ए जी वन जी टू जी थ्री एंड सो ऑन थी, ठीक है, यस यही सर थी। तो यहाँ पे आर जी वन अपॉन ए नहीं आना चाहिए था, यस सर फिर आर की वैल्यू तुमने ये कैसे ली? सर लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म के साथ आ जाएगा आंसर सर रेशियो हाँ जी, लास्ट टर्म बी है, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, कितनी टर्म सी ये? सर एन टर्म्स तो वन अपॉन एन प्लस वन दिस यस सर वन। यहाँ पे ए बी अपॉन ए की पावर क्या आर की वैल्यू वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा ना, ये होगा यस सर यस और नो? अब अगर मैं एन की वैल्यू वन फिल करता हूँ, मतलब क्या फिल करेंगे जी वन फाइंड करने के लिए, बोलिए। सर जी वन एस वन एन वन सर वन ही आ जाएगा ऊपर तो सर बी आ एक जाएगा मिनट बेटा, इन्होंने ए आर की पावर वन होगा ना, सेकंड टर्म हुई ना ये, यस तो यस आर सर की वैल्यू यही यूज की है, ए बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन। ऐसे ही जी टू फाइंड करना है तो सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर, यस सर ए बी अपॉन ए की पावर टू अपॉन एन प्लस वन, बस ये याद रखना है बेटा फॉर्मूलाज, समझे? सर को एक मिनट, इसका जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। nth टर्म ए आर एन हो गया, आर को ये याद रखना है जब भी उन्होंने मतलब एन ज्योमेट्रिकल मीन्स फाइंड करने के लिए बोला है, तो बी अपॉन ए दो टर्म्स के बीच में, ये याद रखना है। अब एन यहाँ पे ए आर की प्लेस पे ये वैल्यू फिल हो जाएगी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया एन टर्म का ज्योमेट्रिकल मीन का, समझे? एक्सक्यूज हाँ जी, सर, मतलब इसके फॉर्मूला से समझ में आ गया, बट वैसे ज्योमेट्रिक मीन मतलब इन द सेंस है क्या सर? अगर जैसे हम एपी में ले रहे थे कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो सीरीज है वो एपी में है, जीपी में ले रहे थे अगर उनका सर रेशो सेम है तो वो मतलब जीपी में है। ज्योमेट्रिकल मीन जो है बेटा, दो टर्म्स के बीच में कितने ही ज्योमेट्रिकल मीन हो सकते हैं, ठीक है, ये दो नंबर हैं, इन दो नंबर्स के बीच में जितने मर्जी, अगर एक फाइंड करना है, मतलब ये सारी टर्म छोड़ दो, तो तीन टर्म ही हुई ना, ए जी बी, ये सेकंड टर्म हुई, सेकंड टर्म हुई कि यस नहीं हुई? सेकंड टर्म किसके इक्वल? सर, ए प्लस बी डिवाइड बाय टू, ए आर की इक्वल होगी ना, अरे यस सर, होगी ना, हाँ जी, ये जी एम, ये सेकंड टर्म लेके चलो, मतलब रफली ना चाहे पेंसिल से लिख लिया करो कि ए टू ए आर की इक्वल, ए हमारी फर्स्ट टर्म है,
आर कॉमन रेशो क्या होगी, बी अपॉन ए की पावर। अब ये 2 फिल कर देना है यहाँ पे, जो ये फॉर्मूला था 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं, गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत कर सर दिया, गलत कर दिया, 1 अपॉन 2 आना था। हाँ जी, सर, अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर 5 टर्म्स हैं जीपी जीएम में, कोई बात नहीं, सम आपके पास पास ना सारे सम आ जाएंगे। तो फॉर्मूला मतलब ये वाला हुआ जो अभी आपने जस्ट लिखा। ये याद रख, सर ये उसकी फॉर्मूला बात याद तो फिर रखना। सर मतलब फॉर्मूला अगर हमें 1 फाइंड करना है, 1 ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करना है, तो इसमें फिल कर देंगे। 2 फाइंड करना है तो एन के प्लेस पे 2 फिल हो जाएगा। बी क्या है, मान लो उन्होंने 3 एंड कोई नंबर, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 6 के बीच में एक ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करने के लिए बोला है, एक बोला है ना, एन के प्लेस पे 1 फिल हो जाएगा। ए 3 है, बी अपॉन ए 6 अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1/2 हो जाएगा। हाँ जी सर 3√2 हो जाएगा, 2 की पावर हाफ मतलब √2 हो जाएगा। समझे बच्चे? हाँ सर हम बोल सकते हैं कि मीन जैसे एवरेज अगर मान होता है। लो इसके बीच में 2 फाइंड करने होते ज्योमेट्रिकल मीन, सेकंड क्या आया था, 3 6 अपॉन 3 की पावर, यहाँ 2 फिल कर दो, 2 अपॉन 3। इसको ऐसे रख लो, चाहे 3 फाइंड करने होते थर्ड, तो वहीं पे बस 3 फिल हो जाता यहाँ पे। समझ गए? हाँ सर जी, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मीन नीचे बोलते थे कि मीन इज इक्वल टू एवरेज, तो सर जो ज्योमेट्रिक मीन है मीन वो इज, वो अर्थमेटिक मीन में होता है बेटा, जो अर्थमेटिक मीन होता है यस ना, सर। वो होता है हाँ जी मीन। सर, पर ये वाला जो है ये सर उनका मीन है, मतलब जो टर्म्स जीपी में है उनका एवरेज। इसके बाद आल्सो नोट दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज एन जीएम्स, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिकल मीन्स इज, इसका फॉर्मूला √AB की पावर n, ये याद रख लेना। एक ये फॉर्मूला लिख लो, एक ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है? समझे? यस सर, इसके बाद आ गया बच्चे एक टॉपिक और, इन्होंने दिया है रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। AM एंड GM के बीच में रिलेशन दिया है। AM को हम अर्थमेटिक मीन को A से डिनोट किया है इन्होंने, ज्योमेट्रिकल मीन को G से डिनोट किया है। अब अर्थमेटिक मीन A की वैल्यू किसके इक्वल, मान लो 2 टर्म्स हैं A एंड B, तो अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी ए अपॉन प्लस टू बी होगा बाई ना। टू यस सर, ज्योमेट्रिकल मीन √AB था यस सर, इन दोनों के बीच में, ज्योमेट्रिकल मीन √AB होगा ना, यस और नो? यस सर। सेकेंड टर्म √AB के इक्वल। सर वो ए टू द इनटू बी बाय ए टू द पावर एन एन प्लस वन नहीं होगा। वहां कर लेना फिर, ले मेरी माँ, यहाँ फिल कर, जी वन वन कर रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए की पावर 1/2 आ जाएगा। आएगा? यस सर, सॉल्व कर इसको, यस सर, जिसको मैं ऐसे सर, लिख सकता हूँ, यस सर, यहाँ पावर कितनी है, 1 1 -1/2 हो गई, बी की पावर हाफ हो गई,
वन में से हाफ माइनस करेंगे, ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ, दोनों की पावर सेम है, ए बी की पावर हाफ, क्या आ गया ये? यस सर, अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं ना वन फिल करके, मतलब एक फाइंड करना है तो यही आ जाएगा, समझे? यस सर, अब समझ आया। यस अच्छा तेरे को समझ आता भी है। अब सर, कभी कभी आ जाता है। ए की वैल्यू, ये जी की वैल्यू, उसके बाद ए माइनस जी किया है इन्होंने, ए प्लस बी अपॉन टू माइनस रूट ए बी अपॉन वन, टू एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी माइनस रूट टू रूट ए बी आ गया, आ गया कि नहीं आया? इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ? रूट बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी अपॉन टू, ऊपर क्या आ गया? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में टू आ गया, ये ए माइनस जी आ गया, बोलो। यस सर, हाँ जी बेटा, ए माइनस रूट ए माइनस बी की वैल्यू कुछ मर्जी आए, बट होल स्क्वायर है ना ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर नॉन जीरोज ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं सकती, मतलब ए कहने का मतलब ए माइनस जी इज ग्रेटर देन जीरो, और वी कैन से ए इज ग्रेटर देन जी, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा, ये याद रखना चीज। समझे? यस सर। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। हाँ, ए इज इक्वल टू जी कब होगा? दोनों इक्वल कब होंगे? सर, जब ए दो और और बी की वैल्यू सेम होगी। सर, कब इक्वल होंगे? वो तो मुझे ए ही इज पता है, इक्वल जब टू ए और जी। जी की वैल्यू इक्वल होगी। हमने ये निकाला था ना, ए माइनस जी निकाला था, हमारे पास यही आया था, यस सर, सॉरी। अगर ये जीरो हो जाए तभी ए इज इक्वल टू जी होगा ना, मतलब ए माइनस जी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जी, ओहो ए इज इक्वल टू जी आएगा, आएगा ना, सर। मतलब जब भी ये चीज जीरो हो जाएगी इज इक्वल टू जीरो। ए एंड जी इफ एंड ओनली इफ, अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है तब होगा, ये जीरो कब होगा? जब ए एंड बी जीरो होंगे या ए एंड बी की वैल्यू इक्वल होगी, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, दो टर्म्स थ्री थ्री के बीच में ज्योमेट्रिकल मीन और अर्थमेटिक मीन इक्वल होंगे, समझे? कोई भी दो टर्म ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो नंबर ले लिए, मैंने ले लिए सेवन एंड सेवन, इसके बीच में हमने ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करो, ज्योमेट्रिकल में अगर एक ही फाइंड करना है तो रूट ए बी हो जाएगा ना, सेवन इंटू सेवन दैट इज सेवन आएगा, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होता ए प्लस बी अपॉन टू, सेवन प्लस सेवन अपॉन टू, ये भी सेवन आएगा, इक्वल आ रही है ना, कब इक्वल आ रहे हैं? जब ए एंड बी की वैल्यू इक्वल आ रही है, चलो इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। फॉर्मूलाज याद हो गए? जी एम का फॉर्मूला, जी एन का, कौन बताएगा? तोशी जल्दी बता। यस सर, ए इंटू बी अपॉन ए एन अपॉन एन माइनस एन प्लस वन, एन माइनस वन, एन प्लस एन वन, माइनस, एन प्लस वन प्लस। ये ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला है।
वन मीन फाइंड करना है तो वन फिल कर देंगे, टू टू फाइंड करनी है तो सेकंड ज्योमेटिकल मीन फाइंड करना है तो टू कर देंगे फिल। यहाँ पे ए और बी क्या है, दो टर्म जो उन्होंने बोली होंगी, समझ गए? सर। बोलो। उसके बाद ए माइनस जी, ये भी याद रख लेना, नहीं सॉरी एक और किया था हमने फॉर्मूला प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिकल मीन्स, सर क्या अंडर किया? रूट, सर अंडर रूट ए बी होल रेस टू पावर एन रूट ए बी रेज टू पावर एन। एन। एक दो फॉर्मूलास, एक फॉर्मूला अगर एक ही ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड करना है तो रूट ए बी याद रख लेना, ये भी याद रख ही लेना, ये तो वैसे तो सिंपल ही कि रेशियो इक्वल की तो वही आ जाएगा हमारे पास, समझे? और यस दूसरे अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल था, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन टू, ये चार याद रख। ओके यस सर। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.6। फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। इसके अंदर टू नंबर फाइंड करनी है सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी, कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो जीपी में बन जाए। हाँ जी, मुझे आद्या बताएगी, ये बताएगी आद्या, बोलो जल्दी से। आदेश हो गई अंशिका? यस सर। पहले कहाँ थी? अच्छा सर वो मैं बात करने लगी थी। दोबारा करनी, बात ही कर ले अब तुम। अच्छा नहीं सर वो पापा को कॉल आ रहा था, सॉरी सर, तो अब इसलिए। चलो, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81, लेट G1 एंड G2 बी ए एंड बी। बी टू नंबर्स बिटवीन। सर आपने ये और भी क्यों रिलेट किया? सर दो नंबर दिए हुए हैं ना हमें 3 एंड 81, तो मैं थ्री, ए की वैल्यू 3 है बी की, मैं ऐसे लिखूंगा ना 3 एंड 81। अच्छा। लेट जी वन एंड जी टू बी द टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट देयर सच दैट 3 G1 G2 एंड 81 आर इन GP। ये किस में बन गए, GP जीपी में बन में गए, यस और नो? यस सर। यस सर। व्हाट इज दिस? सर अब 3 इज इक्वल्स टू ए हाँ, एंड दिस वन बी फोर A4। सर पर सर वो बी के इक्वल है। बच्चे मुझे एक बात बताओ, मैंने ये लिखा है कि G1 एंड G2 आर टू ज्योमेट्रिकल मीन्स, नहीं सर, फिर तो सर हमें बच्चे पता था कि हमें कब क्या लेट करना है। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन दिस एंड दिस, समझे? क्वेश्चन देख से पता चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है उन्होंने। A3 हो गया, A4 81 हो गया। A4 का फॉर्मूला AR to the power 3। AR³ = 81। A की वैल्यू पता है, यहाँ फिल करो, यस थ्री सर। आर थ्री क्यूब इज एट्टी इक्वल्स वन टू फोर आर क्यूब किसके इक्वल आ गया, क्या किसके इक्वल? अरे वो सर मैं 3 की पावर वो कर रही थी, सॉरी सर।
क्यूब बिकम क्यूब रूट या 1/3 पावर लिख दो, जैसे ही लिखना है वैसे ही लिख दो। आर की यस वैल्यू भी सर। 3 आ गई, ए की वैल्यू भी 3 है, आर की वैल्यू भी 3 है। अब G1, G2, G दोनों फाइंड करने हैं। G1 कौन सी टर्म है? सर सेकंड ए आर दैट इज ए। G2 थर्ड टर्म है, ए आर सॉरी ओ क्यूब क्यों सॉरी ए आएगा? आर सॉरी सर ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 3 है, 9। ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 9 3 27। बस हो गया, समझे बेटा? यस सर। अब इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन 4/9 एंड 27/8। 4 ज्योमेट्रिकल मीन्स फाइंड करनी है। तो ज्योमेट्रिकल मीन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? एक मिनट, मुझे बताएगा कौन? अंशिका, जीवन यस किसके इक्वल? सर जीवन इज रूट ऑफ एबी 4 फाइंड करने हैं और 3, 6 GMs फाइंड करने हैं। ठीक, सर सर ए इंटू जी एन का फॉर्मूला बता दें मेरा बच्चा। सर ए इंटू सर बी बाय ए रेस टू द पावर एन अपॉन एन प्लस वन अब 1 2 3, मैंने तीनों लिख दिए। यस सर ए की वैल्यू कितनी है? फोर सर 4/9 बाय 9। बी की वैल्यू 27/8 8 नीचे चला जाएगा, नीचे ए है। ए की वैल्यू 4/9, यहाँ पे 1/1 + 1 2 आ जाएगा। 1 + 1 = 2 यहाँ पे कुछ कटा हो रहा है? नहीं हो रहा। नो हाँ, सर तो हम क्या करें, सर इसको मैं ऐसे लिख कितना दूं मैं? रुक जा रुक यस जा सर रुक यस जा सर रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, थम जा। जो हाफ पावर थी मैंने उसको रूट में लिख दिया, लिख दिया। इससे मुझे क्या हुआ, इजी हो गया। 1 9 बाहर आ गया, 1 नीचे से 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? 3/2 बच गया, बच गया। यस सर 9 से 9 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, रूट रूट थ्री थ्री बाय बाय टू टू इसका आंसर क्या दिया इन्होंने? इन्होंने तो 4 दे रखा है, इन्होंने तो 4 16 एंड 64 ये आंसर दिए हैं। कुछ सर, गड़बड़ तो नहीं? हाँ जी, अगर सर आप पहले रेशियो ढूंढ लें फिर सर ए आर का उससे मीन। तो हो ही जाएगा, वो तो हो जाएगा, पर मैं इस फॉर्मूला को भी चेक करें ना, किससे यस क्यों नहीं सर निकल रहा, निकलना चाहिए था। बी की वैल्यू 27/8 नीचे चला गया, ठीक है, upon 4/9, ठीक है। की पावर 1/1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 4/9 आ गया। या थर्ड पार्ट है, मैं गलत लिख रहा हूँ आंसर। थर्ड पार्ट में उन्होंने 4 बोले, 4 ज्योमेटिकल मीन्स बोले, वो भी उन्होंने ये दे रखी है। सेकंड पार्ट रुक जा, 2/3, 1 3/2 एंड 9/4, ये 4 दिए। √3/2, 2/3 तो हो नहीं सकता, क्या हो सकता है? चलो एक मिनट, दूसरे तरीके से करके देखते हैं हम। वी कैन सॉल्व इट बाय अनदर मेथड, शायद गलती पता चल जाए हमें कोई कि हमने गलती क्या की है। 4/9 एंड 27/8 के बीच में हमने 4 ज्योमेट्रिकल मीन, G1, G2, G3, G4, 4 फाइंड करने हैं। दिस द वैल्यू ऑफ ए 4/9। आर
मतलब ये कौन सी टर्म है, एक दो तीन चार सिक्स टर्म है ना, 27/8, ए सिक्स किसके इक्वल, ए आर इज टू पावर 5, 27/8, ए की वैल्यू 4/9 है, उस साइड जाके 9/4 बन गया। थ्री थ्री थ्री, 9 को भी 3 × 3 लिख सकते हैं, नीचे भी ऐसे ही 2 × 2 × 2 × 2, एक ऊपर से 3 बाहर आ गया, नीचे से 2 बाहर आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू आ गई। इसके बाद G1, ए आर की इक्वल, ए की वैल्यू 4/9 है, 3/2 है, इससे आंसर आ रहा है। उससे क्यों नहीं आ रहा, वहां पे फॉर्मूला उसी चीज का था ना। ये फिर फॉलो क्यों नहीं हो रहा है ये रूल, ए की वैल्यू 4/9, बी की वैल्यू 27/8 अपॉन ए, ए की वैल्यू 4/9 की पावर 1 फिल करेंगे यहाँ पे, 1/2 हो गया, 1/2। फोर बाय नाइन ऐसे ही यहाँ फिल करो, मतलब 9 बाहर टू आएगा, बाई फोर थ्री बाहर आएगा, रूट 3/2 आ गया। यार ये क्यों गड़बड़ होती है, कैसे सर, एन को लेकर देखना, एन एन को, को टू। अगर एन को 2 लेके करते हैं तो 1 मिनट, 4/9, बी वही 27 × 9/8 × 4 की पावर 2/3 हो जाएगा, 2/3 होगा ना, यस सर, यहाँ से 3 की पावर 5 बन रहा है ना, 9 3 27, नीचे 32, 4 2 8 2 की पावर 5 बन रहा है, 10/3 हो जाएगा वो। ढूंढो गलती कहाँ है, आना चाहिए था इक्वल, यहां से हमारा √3/2 आ रहा है, एक मिनट, सर हाँ थ्री जी, डबल टू कैसे
सर अगर 3 ले तो एन का 3। नहीं यार, सेकंड वो 3 लेके कैसे हो जाएगा, सही करना तो हमने सही, 4 टर्म्स हैं, सेकंड थर्ड इससे सही आ रहा है जो ये किया हमने। सर जो इसकी ना फर्स्ट एग्जांपल है ना पेज नंबर 560 पेज पे, सर उसे देखिए सर, उन्होंने ना कॉमन रेशो को आर लेट की है। ओ बच्चे वो तो मैंने ये कर ही दिया कि उस मेथड से तो आ रहा है हमारा आंसर, उस मेथड से तो आ रहा है ना। वैसे सर यस ये कोचिंग में सर ये फॉर्मूला यूज नहीं करवाया। नहीं, फार्मूला यूज तो नहीं किया, पर यहाँ पे लिखा क्यों है इन्होंने, मैं वो सोच रहा हूँ। सर वर्डिंग देख लो सर उसकी, जैसे कुछ वही और देख रहा हूँ मैं, चेंज। एक मिनट सर। एक सेकंड बता। जी रूट ए भी एक फाइंड करना है तो हैंस द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर बिटवीन दिस एंड इन ए सिमिलर वे वी कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ नंबर्स एज वी लाइक बिटवीन टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। लेट G1, G2, G3 अप टू GN बी द एन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। एन नंबर्स हैं मतलब ए और बी बीच में एन नंबर्स हो गए, तो टोटल टर्म तो एन प्लस टू ही हो गई। एन ज्योमेट्रिकल मीन्स बिटवीन ए एंड बी। टू फाइंड G1, G2, G3, GN इन टर्म ऑफ ए एंड बी लेट आर बी द कॉमन रेशियो देन बी बी एन प्लस टू टर्म। बी कौन सी टर्म हुई, एन प्लस टू टर्म हो गई। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया उसका, 1/n+1। मतलब G1 फाइंड करना है तो ए सेकेंड टर्म है ना, आर फाइंड किया है ना उन्होंने, ये G1 ये आ गया, G2 AR² ये आ गया, पावर 2/n हो जाएगी, n+1 सर आप उसी टाइप से है सर बच्चे। एन अपॉन एन प्लस वन कर रहे हो, फिर एन की वैल्यू 1 ही फिल की ना फर्स्ट फंड के टर्म के लिए, अच्छा सेकंड के लिए आ रहे हो। सेकंड के लिए 2/3 नहीं की। दूसरे यस सर। कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, सर उससे भी G1 तो तो अपना निकल गया पीछे, ठीक है वो तो ये बच्चे में ये दूसरे G1 दूसरे मेथड से निकाला है ना, ये दूसरे मेथड से निकाला है फिर तो सही आ रहा है, इससे भी आना चाहिए था ना। ये कौन सा मैंने डिफरेंट किया है, फिर ढूंढो गलती ढूंढो भाई, गलती जब तक नहीं मिलेगी हम नहीं करेंगे आगे। सर आर का स्केयर कर देंगे, G2 निकालेंगे ना, G1 ही क्यों निकालना है। बच्चे यार तू समझी कि नहीं रही, उससे तो निकल ही जाएगा आंसर। मैं ये फॉर्मूला जो था उसका यूज करके बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि उससे क्यों नहीं आ रहा, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, उससे तो निकल ही रहा है। हाँ सर ये इसी चीज का फॉर्मूला है। हाँ जी जी सर। सर, सर रूट ए भी नहीं डाल। रूट ए भी तो फिर एक फाइंड करना होता तो होता ना बच्चे, हमने 4 फाइंड करने हैं ना। यस सर। एक्सक्यूज मी सर सर। मतलब अगर जी सेकंड वाला है तो सर सीधा ऐसे लिख सकते हैं। सर ये वाला मेथड समझ नहीं आया ढंग से आंसर ही नहीं आ रहा उस मेथड से। हाँ सर। जी सर जो आपने वो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला बताया था कि ए बी की पावर 1/n, फिर हाँ, उस पर हम करके देख सकते हैं सर कि वो अगर तो तो, प्रोडक्ट है बेटा, हमने प्रोडक्ट तो फाइंड ही नहीं करना। सर फिर हमें फाइंड क्या करना है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन ही पूछा। चलो इसका एक मिनट सेकंड सम करके देखते हैं। 1 एंड 256 के बीच में 3 ज्योमेट्रिकल मीन्स बोले हैं, G1, G2, G3 एंड 256। GN का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सर ए इनटू बी अपॉन ए बी अपॉन ए की इनटू पावर एन अपॉन वन एन प्लस वन था ना, अपॉन यस ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 256 है, अपॉन 1 पावर एन की वैल्यू, जब हमने G1 फाइंड करना है बेटा, इसमें 1 फिल कर रहे हैं ना, 1/2 हो गया।
वन हो अपॉन गया टू 256। किसका स्क्वायर होता है 16 का, मतलब 16 आ रहा है आंसर इसका। ये थर्ड आ रही है। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर हमें उन्होंने 469/64 दिया है। वन करना है तो ये आएगा, टू करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, है ना, 256। हाँ जी, सर एन को सर वो रखो सर, जितने जीएम्स इंसर्ट करने हैं, कितने? जैसे सर यहाँ पे 3 जीएम्स इंसर्ट करने हैं, तो सर आप एन को 3 रखिए। एन को 3 रखेंगे तो फिर कौन सी G3 आएगा ना? नहीं सर, तब सर आप मल्टीप्लाई मत करना ए के साथ। समझा नहीं मैं। सर 1/(n+1) होता है ना सर, हाँ तो सर जो एन है ना सर, उसको सर 1 मत रखिए, जितने जीएम्स इंसर्ट करने, जैसे 3+1 4। मतलब एन की वैल्यू 4 फिल करूँ यहाँ पे। 1/4 आएगा सर जैसे। 1/4 क्यों आएगा? फॉर्मूला तो n/(n+1) है यार। बट सर आर में सर जैसे आर ढूंढते होते हैं सर, b/a और इसके बाद 1/(n+1) होता है, उसको एक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है आंसर। सर तो 3/4 रख के देखिए। 1 मिनट बेटा, 2/3 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 256 है कि पावर 2/3। 4×4=64 होता है। 256 तो 3 पावर में आता नहीं ना किसी में भी। सर 6 का नहीं आता शायद। 6×2=16 होता है। यार इसने क्यों कंफ्यूज किया ये? चलो छोड़ दो, फिर रहने दो इसको, बाद में देखेंगे इसको, दूसरे मेथड से ही करो फिर। थर्ड सेम है, 4/9 एंड 27/8 के बीच में हमने 4 ज्योमेट्रिकल मीन्स फाइंड करनी है। लेट ज्योमेट्रिकल मीन्स बी G1, G2, G3 एंड G4। लास्ट टर्म इज 27/8। यहाँ पे व्हाट इज दिस 4/9? ए, ये कौन सी टर्म हुई? सिक्स टर्म, 27/8, A6, AR raised to power 5, 27/8। A की वैल्यू फिल करो, R की पावर 5, ये हमने पहले ही फाइंड किया था। चलो A की वैल्यू 4/9 और उस साइड जाएगी तो 9/4 हो जाएगी। फिफ्थ रूट जब करेंगे बेटा, फिफ्थ रूट 1/5 पावर करेंगे तो 3/2 बाहर आ जाएगी। R की वैल्यू 3/2 आ गई। उसके बाद ये कौन सी टर्म है? सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, मतलब A2 = G1। AR की इक्वल, ए और आर की वैल्यू फिल कर देंगे। A3 G2 के इक्वल, AR² फिल कर देंगे, मैं वैल्यू फिल कर देंगे। कर लोगे ऐसे सारे? यस सर। उसका ढूंढेंगे कि कोई ना कोई दिक्कत है उसमें। सेकंड सम बेटा, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास क्या है? इधर फोर टर्म ऑफ अ जीपी, फोर टर्म हमें दी हुई है, जीपी टू दी है, A4 2 है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म फाइंड करना है। हाँ जी बच्चे, वर्षान A4 मीन्स अरे यार, रेज़ टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू इसका ना तो A की वैल्यू पता है ना R की वैल्यू पता है, इसको ऐसे रख लेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, फर्स्ट टर्म
सेकेंड टर्म AR रेस टू द पावर 2, AR रेस टू द पावर 3, AR रेस टू द पावर 4, सो ऑन. साथ ही है, लिख लो वो भी. ये यस चीज सर. हमने फाइंड करनी है. ए, कितने टाइम आ गया? 7. सेवन आर की पावर कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21. ये होगी ए यस सर. सेवन आर 21. इसको बच्चे में ए आर क्यूब का पावर 7 लिख सकता हूँ. यस सर. टू ए आर क्यूब की वैल्यू रेस टू द पावर टू रेस सेवन टू वन एन ट्वेंटी एट इज द आंसर. किसी को ना समझ आया हो ये सम? या मैंने P7 लिख दिया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म्स. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जैसे सीधा ही निकला है. यस फॉर्मूले के में चक्कर में फिर पड़ेंगे हम. ओके सर. देख लेते हैं नहीं उसमें से करके. पर उसमें ज्योमेट्रिकल मीन्स का प्रोडक्ट बोला था ना बच्चे, जो यस सर. बीच में बीच में है उसके 7. ये तो फर्स्ट 7 टर्म्स का बोल दिया. यस सर. ठीक है. थर्ड, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स. कितनी टर्म्स हैं? एन टर्म्स हैं. वेयर एन इज ऑड, इज द मिडल टर्म ऑफ द जीपी इज एम, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज एन टर्म्स? मिडल टर्म ऑफ जीपी एम है, एन ऑड टर्म्स है ना. एन क्या है? ऑड दिया हुआ है. एन टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन एन क्या दिया हमें? और दिया है, मतलब और नंबर ऑफ टर्म्स आ दिए. और मिडल टर्म की वैल्यू इज एम. मिडल टर्म एम दी है. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज एन टर्म? पी एन. प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म हमने फाइंड करना है. व्हाट वी कैन डू बच्चे? एन टर्म्स है ना, सीरीज क्या बनेगी? पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट टर्म अप टू एन टर्म्स बनेगी. बनेगी ए क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म है. कॉमन रेशो क्या है? आर है. फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशो आर. ये दो चीजें हैं हमारे पास, यही है. बोलो. एन टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा? ए इंटू सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या होगी? यही होती है. होती है कि नहीं होती? ए कितने टाइम आएगा यस इसमें इफ्रा? ए कितने टाइम आएगा? सर. एंड टाइम ए रेज टू पावर एन हो जाएगा. एन ऑड आर की पावर 1, 2, 3, 4. ये चीज याद रखनी है. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन ऑड टर्म्स, एन नंबर्स तक. किसके इक्वल होता है? जब एन ऑड हो. एन इंटू n-1/2, सम ऑफ एन टर्म्स. अगर ये चलो एपी तो किया हुआ है सबने, यस सर. ये एक एपी है ना. एस एन क्या होगा यहाँ पे? सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा? n/2 फॉर्मूला सर यूज एन होगा. बाय 2, 2a+n-1 दूसरा लगा लो. इनटू एन ही बी. है. अच्छा क्यों? एन की वैल्यू एन रहेगी, n/2. ए की वैल्यू कितनी है? 2-1, 1 प्लस एन.
ये है ना, सम तो यार एन इंटू एन प्लस वन आ रहा है। अच्छा ठीक है, ओहो जो इसकी पावर है बेटा वो एन माइनस वन तक है ना, एन की वैल्यू एन माइनस वन लेनी है, एन की वैल्यू एन माइनस वन लेनी है ना, ए की वैल्यू वन प्लस एन माइनस वन, तो क्या आ गया एन माइनस वन यहाँ पे इंटू एन अपॉन टू, सम ऑफ और नंबर ये आ गया एन माइनस वन तक, मतलब ये फॉर्मूला बन गया एन टर्म्स का सम का, एन माइनस वन टर्म के सम का, मतलब यहाँ पे ए एन आर इज टू पावर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, क्या आया लिख सकते हैं हम, बोलो बच्चे। आपने लिखा इसी चीज को लिख, ये तो लिख दिया आर की पावर क्या आएगी वन है प्लस टू, क्योंकि मल्टीप्लाई ये तो पावर से ऐड हो जाएंगे ना, ये बन गया, बोलो यस सर, ए रेज टू पावर एन को ऐसे रखा, ये क्या है, इसका सम अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया था ना, यस सर, एन वही इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। मतलब इसके सम को वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन तक ये लिख सकता हूं मैं, लिख यस सकता हूं। सर, अब बताओ क्या कर, ए की पावर एन है आर की पावर एन इंटू ये है ना, बोलो है तो यस सर, क्या करें हम, मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये सुनो पावर मल्टीप्लाई है, मतलब कहने का मतलब इस स्टेप को पीछे ए एन आर इज टू पावर एन माइनस वन बाई टू ऐसे लिख सकता हूं ना इस चीज को, यस सर, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होंगी, तो मैं मल्टीप्लाई है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ए की पावर एन है इसकी पावर भी एन है, तो ए इंटू दिस पावर कॉमन हो गई, ये आ गया हमारे पास, यस आ गया। सर। सर अब ये क्वेश्चन हाँ हमने ऐसे जी क्यों सॉल्व किया और कैसे करें, सर, समझ ही नहीं आया ये लास्ट थ्री स्टेप चलो सर। छोड़ दो कल करेंगे, आज मुझे भी नींद बहुत आ रही है गुड आज। नाइट सर, गुड गुड नाइट जी, नाइट सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।